अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शॉकिंग न्यूज़ में आपको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, चाइना का भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर एतमाद। तहरीक लब्बैक को सैलाब ज़दगान की इमदाद देने पर खुश। चाइना के वफ़द का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सैलाब ज़दगान की इमदाद देने पर इजहार मोहब्बत। आपके सामने वीडियो क्लिप रखने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली अपडेट अब तक बर वक्त पहुँच सके, आपका और हमारा रब्ता जुड़ा रह सके। नाज़रीन इकराम, जिस तरह तहरीक लब्बैक के कायदीन और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कारकुनान ने सैलाब ज़दगान की बढ़ चढ़ कर जिस तरह इमदाद की और उनकी मुसलसल इमदाद करते जा रहे हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन दौरा करते जा रहे हैं, चाइना से आए हुए वफ़द की मोहब्बत तहरीक लब्बैक से और तहरीक लब्बैक को सैलाब ज़दगान की इमदाद जमा करवाई और लब्बैक या रसूल सल्लम के नारों का जवाब भी दिया। गैर मुस्लिम को लब्बैक या रसूलल्लाह का मतलब समझ आ गया और मुसलमानों को अभी तक समझ नहीं आया। तहरीन इकराम, आप वीडियो का मुलाहदा करें। इसके इस क्रिया में काम के एज कर मेरा वो तो आज ने आपने पूरी समझ आ गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मियां साहब, अब जी ये चाइनीज वफद था जी, जी ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकजी कैंप जो सवात में बहरीन में कायम है, इन्होंने पहले यहाँ कैंप का विजिट किया है और आगे देखा है कि कैसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यहाँ दुखी इंसानियत की खिदमत कर रही है। विजिट करने के बाद जब ये मुतमिन हुए तब ये दोबारा वापस गए हैं, फिर अपना सामान लेके आए और इन्होंने अपना सामान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नाज़रीन इकराम, इससे मुतल्लिक आप अपना कीमती कमेंट सेक्शन में करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।